ये सरकार दलित विरोधी है और जो ये दलितों पर अत्याचार करते हैं ये उसको बढ़ावा देते हैं। मायावती, हम नहीं जानते मायावती को, हमने पहले कहा ये कलावती को सुने थे सत्यनारायण भगवान की पूजा में। संसद की शेर नहीं रही है मैं। बहन जी तो वही जो बड़े बड़े माफिया डॉनों को अंदर कर दिया, राजा भैया जैसे भक्के फादर चले गए सब अंदर, वो कह रहा मैं जानता नहीं। अरे यूपी में आ, एक बार यूपी में आने के बाद पता लग जाएगी कि मायावती क्या है। ऐसा वो नहीं जानते लेकिन पूरा देश का विदेश तक मायावती का नाम है। और ये जो आनंद मोहन है जो वहाँ के बाहुबली जो बाहुबली है वो जो ऐसी बात करे वो यूपी में आके पूछ लेंगे, राजा भैया से पूछ लेंगे मायावती जी कौन है। वो दलित के हम वो बेटे हैं और बहन जी के वो सिपाही हैं कि हम बताएंगे बहन जी के लिए क्या शब्द बोला यहाँ आवे तो सही। दलित समाज का आक्रोशित होना स्वाभाविक है क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि उनके साथ में न्याय नहीं हो रहा है। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। मैं इस वक्त गाजियाबाद के राजनगर स्थित बीएसपी कार्यालय पर मौजूद हूं और मेरे साथ कुछ बीएसपी कार्यकर्ता हैं। मैं आपको बता दूं मामला बिहार से जुड़ा हुआ है जहां पर सरकार ने अपने कानूनों में अमिटमेंट कर एक कानून बनाया और उसके द्वारा जो आनंद मोहन है बाहुबली नेता हैं उनको जेल से बाहर निकाला गया है और इसी को लेकर एक नया बखेड़ा शुरू हो गया है। बखेड़ा ये है कि जब पत्रकार ने इस बात की लेकर आनंद मोहन से बात की कि आपकी आपको जिस तरह से बाहर निकाला गया उसको लेकर मायावती ने ट्वीट किया था, तो उस पर आनंद मोहन का जवाब था कि मायावती कौन, यानी उन्होंने पर एक आरोप भी है दलित आईएएस को गाड़ी से कुचल कर मारने का सरेआम वो आरोप है और उसी को लेकर उनकी ये बात की जा रही थी। मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात जानेंगे कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को। एक दलित आईएएस को कुचल कर सरेआम मार दिया गया था आनंद मोहन के द्वारा, उसी मामले में वो जेल में थे और अब उन्हें बाहर निकाल दिया गया है, तो उसी पर उन्होंने मायावती ने ट्वीट किया था, तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि मायावती कौन है। ये सरकार दलित विरोधी है और जो ये दलितों पर अत्याचार करते हैं ये उसको बढ़ावा देते हैं। और ये जो आनंद मोहन है जो वहाँ के मंत्री हैं वो मंत्री नहीं, 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 एक बाहुबली एक जेल में बंद थे वो। बाहुबली जो बाहुबली है वो जो ऐसी बात करे वो यूपी में आके पूछ लेंगे, राजा भैया से पूछ लेंगे मायावती जी कौन है। उन्हें यूपी के बच्चा बता देगा मायावती जी कौन है और बिहार के नीतीश जी बता देंगे, जो नीतीश जी मिलने को आए थे हमारी माननीय बहन जी ने उनसे मिलने से मना कर दिया था। तो ये तो चुटपुट और अभी तो अब 2024 में पता पड़ता है कि मायावती कौन है, जो उसे जवाब दे दिया जाएगा जनता के द्वारा। आनंद मोहन ने इशारों में ही ये बात कह दी कि कहीं ना कहीं कि दलितों की मानसिकता कैसी है उनके दिमाग और जहन में। ये तो दलित, मैं बताता रहा हूँ, ये दलित विरोधी मानसिकता वाले लोग हैं जो सरकार के इशारे पर काम करते हैं। ये लोग इशारे पर काम। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं आनंद मोहन जी से कहना चाहता हूँ कि एक बार यूपी में आके देखें फिर बताएं कि बहन जी क्या है। बहन जी तो वही जो बड़े बड़े माफिया डॉनों को अंदर कर दिया, राजा भैया जैसे भग गए फादर चले गए सब अंदर, और कह रहे मैं जानता नहीं, और मैं वो कह रहा मैं जानता नहीं। अरे यूपी में आ, एक बार यूपी में आने के बाद पता लग जाएगी कि मायावती क्या है। चार चार की मुख्यमंत्री, क्षेत्र की मुख्यमंत्री रही है और फिर बताते हैं हम। अब आगे हमारे राव साहब जी बताएंगे, राव साहब क्या कहेंगे इसमें। भाई आयरन लेडी है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रही है चार चार भैया, लेकिन वो तो कह रहे हैं मैं जानता ही नहीं कौन है मायावती। ऐसा वो नहीं जानते लेकिन पूरा देश का विदेश तक मायावती का नाम है। मतलब तो जो नहीं जानते उनकी सोच गलत है, लेकिन बहन जी उत्तर प्रदेश की आयरन लेडी रही है, चार चार बेर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है, पूरा देश का विदेश तक बहन जी को जानता है। और जो नहीं जानते क्या पता उन्हें पता नहीं है कि बहन जी है कौन। तो पहलवान साहब ऐसा तो नहीं है कि दलितों को, जैसे एक आईएएस दलित को उन्होंने कुचल के मारा है, तो कहीं दलितों को कहीं गिनते नहीं है वो? हो सकता है बिहार में दलितों को गिनते नहीं, उत्तर प्रदेश में आए दलित बता देंगे कि बहन जी क्या है और वो क्या है। वो इतना बड़ा माफिया डॉन है ना, वो यहाँ आके देखे उस जैसे गुंडे तो हमारे यहाँ ऐसे घूमे पानी पिलाते हुए। तो ये जो है एक दिमाग का फतूर है उनका, वो फतूर निकल जाएगा जब यहाँ आ जाएंगे अलीगढ़ के दिखा देंगे हम। वो दलित के हम वो बेटे हैं और बहन जी के वो सिपाही हैं कि हम बताएंगे बहन जी के लिए क्या शब्द बोला यहाँ आवे तो सही। लेकिन कहा जा रहा है कि बिहार में जो है वो बहुजनों की सरकार आ गई है, नीतीश और तेजस्वी जो है उनकी सरकार है, वो भी विरोधी हैं, वो भी विरोधी हैं। इस कांड के बाद लग रहा है इस कांड के बाद तो लग ही रहा है कि वो भी विरोधी हैं।
राव साहब क्या कहेंगे अब तो उनको पार्टी में मतलब एक जगह भी मिल जाएगी क्योंकि बाहर भी सरकार ने अमिटमेंट करके निकाला। माजी जैसे मुख्यमंत्री को बनने नहीं दिया इन लोगों ने, तो सोच तो माजी से शुरू हो गई है कि क्या कहें मुख्यमंत्री जो माजी जी रहे दलितों को नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में क्या बिहार में मुख्यमंत्री बनाए, इसलिए माजी जैसे को नहीं रोका। तो इनकी सोच गलत है जो इस तरह से सोचते हैं। बहन जी को हर पूरा देश पूरा विदेश जानता है। लेकिन नीतीश तो प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। प्रधानमंत्री तो बहन जी बनेंगी, नीतीश को ही बनेगा। बहन जी का पूरे देश में चर्चा हो रही है कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए आने वाले समय में। हाँ। ये 2024 में आप क्या कहेंगे, जैसा जैसी सोच यहाँ सामने आई आनंद मोहन की, उससे क्या लगता है? आनंद मोहन एक छोटे तबके का, एक छोटी सोच का, घृणित मानसिकता का बाहुबली है। बाहुबली की परिभाषा ये नहीं होती है जिस तरीके से वो बात करता है। बाहुबली वो होता है जिसके लिए जनता हमेशा तैयार रहे, जिसके लिए जनता सड़कों पर उतर जाए, जिसके लिए जनता में प्यार जागे। ये बाहुबली नहीं कि उसे मार दिया या उसे मार दिया और बाहुबली हो गए। ये तो हमारे, हम गाजियाबाद शहर में रहते हैं, उत्तर प्रदेश को भी अच्छी तरह सब लोग जानते हैं। बहन जी ने अच्छे अच्छे बाहुबली सीधे कर दिए, या तो वो जाके छुप गए बिल्कुल एकदम भूमिगत हो गए, या फिर जेल के सलाखों के पीछे, या फिर सीधा आसमान में पहुंच गए। तीन ही रास्ते थे उस टाइम पर, और मुझे कहने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। पब्लिक भी जानती है, शासन भी जानता है, और अदर प्रशासन भी सब जानते हैं। तो आनंद मोहन ने तो ये साफ कर दिया कि अब उन्हें बाहर तो सरकार ने निकाल दिया, लेकिन मायावती ने ट्वीट कर गलती कर दी, या यूं कहें उनके नज़रों में मायावती कोई अहमियत नहीं है। देखो, अहमियत बहन जी की सबकी नज़रों में है, पूरे विश्व में है। आयरन लेडी का जो उन्हें खिताब दिया गया था वो कोई घर में बैठ के नहीं मिला था। फोर्ब्स मैगजीन, इंटरनेशनल मैगजीन जो है, फोर्ब्स मैगजीन जो पूरे वर्ल्ड का सर्वे करती है, उस मैगजीन ने आयरन लेडी का बहन जी को खिताब दिया था। टॉप 10 लेडी में बहन जी का भी नाम था, जो उस वक्त की पावरफुल थी। संसद की शेरनी रही है बहन जी। यूपी जैसे देश के सबसे बड़े प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। ये कोई, अब वहाँ दलित बहुत नाराज है बिहार में। अब दलित जो है इस बात को लेकर एक तरह से आक्रोशित है और पूरी तरह से अब विरोध कर रहा है बिहार में। दलित समाज का आक्रोशित होना स्वाभाविक है, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि उनके साथ में न्याय नहीं हो रहा है। और इस गवर्नमेंट में ये सच्चाई है कि सही तरीके से दलितों के साथ में न्याय नहीं हो रहा। केवल उनको एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि वो शांत बैठे रहें और बोले नहीं, किसी भी गलत काम के लिए नहीं बोले और कोई बात ना उठाएं। नीतीश और तेजस्वी से क्या उम्मीद रह जाती है? नीतीश और तेजस्वी पता नहीं किस मुगालते में हैं या क्या सोचे बैठे हैं, जो उनके उनसे ना समझी में हुआ है या समझ के कराया उन्होंने ये काम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है उनको ये चीज़ बाद में महसूस होगी, 24 के बाद में। आप 24 के चुनाव के लिए उन्होंने ये करा है, 24 के चुनाव के लिए ही शायद ऐसा। आनंद मोहन के पीछे कौन सा वोट बैंक उन्हें नज़र आ रहा है कि अगर उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा तो वो वोट उन्हें मिल जाएगा, सवर्ण वोट? उन्हें गलतफहमी है, उन्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है कि क्षत्रिय समाज की वोट उन्हें बहुत आयात संख्या में मिलेगी, जबकि ऐसा नहीं है। आज की डेट में सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, जानते हैं किसको वोट देनी है किसको नहीं देनी है। जो प्रशासन शासन को अच्छी तरह चला सके वोट उसी को जाती है। और ऐसा नहीं है कि एक बाहुबली को छुटा दिया तो समझ लेंगे कि सारा क्षत्रिय समाज ही इधर हो जाएगा। 5% वोट जो है क्षत्रिय शायद तेजस्वी और नीतीश कुमार। हाँ, बस इतनी ज़्यादा वोट। लेकिन 20% जो दलितों का वोट है वो नज़र नहीं आया। वो दलितों का वोट बिहार में आपके विधानसभा में बहन जी के पास ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा। और 2-3% जो वोट है वो नीतीश और तेजस्वी को जाएगा, बाकी और कुछ नहीं है बस। इस बयान को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह से आंदोलन किया जा रहा है बीएसपी के कार्यकर्ता और दलित जो दलित समाज के लोग हैं वो इस आंदोलन कर रहे हैं? दलित समाज के लोग तो नाराज हैं, नाराज तो सरकार बता देगी। बिहार में जब आने वाला चुनाव होगा, जैसा सुपड़ा सपा वहाँ करा है कर्नाटक में, ऐसी सुपड़ा सपा होगा और बहन जी की सरकार होगी। ठीक है, तो जाहिर तौर पर बीएसपी प्रमुख मायावती पर की गई टिप्पणी आनंद मोहन की, उसको लेकर पूरे भारत में आक्रोश है। दलित समुदाय के लोग इसको काफ़ी आलोचना के तौर पर देख रहे हैं, आलोचना के तौर पर इसकी आलोचना कर रहे हैं और ये स्पष्ट कर रहे हैं कि आनंद मोहन जैसे कितने बाहुबलियों का क्या हश्र मायावती ने अपनी सरकार के दौरान किया था, वो उत्तर प्रदेश में आकर देख लें। गाजियाबाद से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।